हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल विद एनी में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आज के मेरे वीडियो में मैं आप सभी के साथ नोवा गोल्ड का हेयर स्प्रे का रिव्यू करूंगी। ये हेयर स्प्रे कैसा है, साथ ही किन किन ज़रूरतों को पूरा करने के काम आता है, इन्हीं के बारे में डिटेल से बताऊंगी। क्योंकि मोस्टली गर्ल्स को पता ही नहीं रहता है कि हेयर स्प्रे होता क्या है और यह किस काम आता है। तो आज के मेरे वीडियो में इसी के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले देखते हैं नोवा गोल्ड का हेयर स्प्रे, जो कि एक प्रोफेशनल हेयर स्प्रे है और लॉन्ग लास्टिंग भी है। काफ़ी अच्छा हेयर स्प्रे है। 200 ml की इसकी क्वांटिटी है और मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट वो भी यहाँ पे सब लिखी हुई है। साथ ही इसे कैसे यूज़ करना है वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आप इसे एक बार चेक कर लेंगे। सो गाइस, हेयर स्प्रे हमारे हेयर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। मोस्टली आपने देखा, कई गर्ल्स, कई मॉडल्स काफ़ी अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल बनाती हैं, बट हम जैसे ही हेयर स्टाइल बनाते हैं, कुछ टाइम में हमारे बाल बहुत ज़्यादा बिखर जाते हैं और हमारी हेयर स्टाइल भी ख़राब हो जाती है। और हमें समझ में नहीं आता कि मॉडल्स की हेयर स्टाइल तो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहती है, काफ़ी टाइम तक स्टे रहती है, और हमारे बाल बहुत जल्दी क्यों बिखर जाते हैं। अगर हम बालों को स्ट्रेट भी करते हैं तो भी वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, रोल करते हैं तो भी वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो गाइस, सभी मॉडल्स ये हेयर स्प्रे ही यूज़ करती है। ये हेयर स्प्रे आपके बालों को लॉन्ग लास्टिंग रखता है। जैसे आप कोई भी हेयर स्टाइल बना रही हैं, तो हेयर स्टाइल बनाने के बाद आपको सिर्फ इसे लेकर अपने हेयर पे स्प्रे करना है, जिससे आपकी जो हेयर स्टाइल है वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, साथ ही जो आपके हेयर हैं वो ख़राब भी नहीं होंगे। अब बहुत से लोगों के मन में ये डाउट होता है कि अगर हम हेयर स्प्रे यूज़ करेंगे तो हमारे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई तो नहीं हो जाएंगे, डैमेज तो नहीं हो जाएंगे और कई बार टूटने तो नहीं लग जाएंगे। बट गाइस, इनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। ये प्रोफेशनल हेयर स्प्रे है, इन्हें बड़े बड़े सैलून्स में भी यूज़ किया जाता है। जो आपने कई बड़े बड़े सैलून्स देखे होंगे, जावेद हबीब के सैलून्स देखे होंगे, लॉरियल के सैलून्स देखे होंगे, वहाँ पर मोस्टली इसी टाइप के हेयर स्प्रे यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि ये प्रोफेशनल है। अगर आप भी कोई भी हेयर स्प्रे यूज़ करें तो वो प्रोफेशनल ही यूज़ कीजिए, क्योंकि इनके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, जो हेयर को सॉफ्ट भी बनाते हैं, साथ ही आपके हेयर को सिल्की बनाएंगे, सॉफ्ट बनाएंगे और हेयर को डैमेज होने बिल्कुल भी नहीं देंगे। जब भी आप कोई भी हेयर स्टाइल बनाएं, उसके बाद मोस्टली आप इस तरीके से इसे लेकर इस तरीके से स्प्रे करना है आपको बस, और इसे छोड़ देना है। काफ़ी अच्छा है और इसकी जो फ्रिग्रेंस है वो बहुत ही अच्छी है। और मोस्टली आपने देखा है, बहुतों के लोगों के पसीने की भी स्मेल बालों में आती है, तो इसको यूज़ करने से पसीने की स्मेल भी नहीं आएगी और हेयर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहेंगे, सिल्की रहेंगे। नोवा के जो हेयर स्प्रे हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, मैं इसे यूज़ करती हूँ, काफ़ी टाइम से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगा जब जाके मैंने इस पर वीडियो बनाया। और अभी फेस्टिवल्स आने वाले हैं, वेडिंग सीजन आने वाले हैं, तो हम सभी चाहते हैं कि हमारी जो हेयर स्टाइल है वो काफ़ी अच्छी लगे। जैसे ही हम हेयर को कर्ली करते हैं, कुछ टाइम बाद वो ख़राब हो जाते हैं। ये आपके हेयर को कर्ली काफ़ी टाइम तक रखेगा, साथ ही अगर आपको हेयर को स्ट्रेट रखना पसंद है तो ये आपके हेयर को भी स्ट्रेट रखेगा। आपको डिफरेंट डिफरेंट हेयर स्टाइल्स बनाना पसंद है तो आप इससे काफ़ी डिफरेंट हेयर स्टाइल्स भी बना सकते हैं। इसका जो लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ जाके इसे ऑर्डर कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा है, अफोर्डेबल प्राइस है, इतनी ज़्यादा प्राइस भी नहीं है कि आप इसे नहीं खरीद सकते हैं। और अभी तो आपने देखा, ऑनलाइन पर जो भी आप आइटम वगैरह लेती हैं उनमें काफ़ी डिस्काउंट मिल जाता है, तो इसे भी आप ऑर्डर कर लीजिए। और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग और जो एक्सपायरी डेट है वो 2001 है, मीन्स अभी ये 1 ईयर का और है। मैं इसे काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, मुझे इसको यूज़ करते करते 1.5 साल हो गया है, ये इतना ख़त्म हो चुका है, बट अभी भी मुझे ये काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि इसको लगाने के बाद मेरे हेयर में बहुत अच्छा वॉल्यूम मिलता है और हेयर बहुत ज़्यादा सिल्की सॉफ्ट रहते हैं। साथ ही आपने देखा, हेयर बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं जैसे हम बालों को स्ट्रेट करते हैं, तो आयरन की वजह से हमारे हेयर बहुत ज़्यादा कर्ली कर्ली से और रफ़ रफ़ से हो जाते हैं, बट ये उन्हें सॉफ्ट बनाएगा, हेयर को डैमेज होने से बचाएगा। तो इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप इसे ऑर्डर कर लीजिए, काफ़ी अच्छा है। एक बार आप इसे पसंद कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगा। और इससे रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे डायरेक्ट कमेंट्स करके पूछ सकते हैं।